काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की रुद्राक्षमय अन्नकूट श्रृंगार की दिव्य झांकी सजाई गई। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का वार्षिक रुद्राक्षमय अन्नकूट श्रृंगार किया गया। ब्रह्म मुहूर्त में बाबा का पंचामृत से अभिषेक हुआ। इसके बाद नूतन वस्त्र आभूषण धारण कर आते हुए 125,000 रुद्राक्ष मालाओं से बाबा की अलौकिक झांकी सजाई गई। इसके बाद 56 प्रकार के व्यंजन व मदिरा का भोग अर्पित किया गया। रात्रि लगभग 9 बजे बाबा की विराट आरती हुई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर बाबा के गगनभेदी जयकारों से गूंज उठा। भक्तों ने बाबा के चरणों में शीश नवाते हुए उनसे सुख समृद्धि की कामना की। जाओ देदा। गुरु जी आज किस तरह का ये श्रृंगार चल रहा है बाबा का? ये बाबा का वार्षिक रुद्राक्षमयी महानकुट महोत्सव है, जो हर वर्ष होता है। और आज संयोग से मौनी अमावस्या का तिथि बाबा के आज्ञा से, कृपा से, जो कहिए पड़ा है। ये रुद्र रूप है शिव के 5वें अवतार काल भैरव, इसलिए इनका 125,000 रुद्राक्ष के मालाओं से सजाया जाता है पूरा मंदिर प्रांगण और बाबा को गोल्डन रुद्राक्ष के साथ। और वो रुद्राक्ष का प्रसाद बस उसी दिन मिलता है, और जो बाबा को 56 भोग भी लगता है उसी दिन बटता है। आगे पीछे यहाँ उसका कोई नहीं है, जिसका सौभाग्य होता है वो दर्शन करता है, वो अपने नेत्रों को सुफल करता है और बाबा का दर्शन कर प्रसाद ग्रहण करता है। रुद्राक्ष पहनने से हर प्रकार की बाधा कष्ट जो भी होते हैं दूर होता है। धनपुर लक्ष्मी भंडार बाबा बढ़ते हैं, क्योंकि बिना काशी में काल भैरव के यहाँ पर किसी का कुछ नहीं चलता। तो इसलिए काशी में काल भैरव का जो बाबा का रुद्र रूप का रुद्राक्ष पहनता है, उसको हर प्रकार की दैहिक वैदिक हर प्रकार की सुख समृद्धि बाबा देते हैं। जो जैसे भाव से आता है बाबा उसको वैसा ही देते हैं।